हाय एवरीवन, दिस इज अजय नागपाल। वेलकम टू लीनियर अलजेब्रा लेक्चर 2। इसके बाद एक और लेक्चर होगा, लेक्चर 3 ऑफ लीनियर अलजेब्रा, एंड द लीनियर अलजेब्रा विल बी कंप्लीटेड। तो आज हम बात करेंगे 17th क्वेश्चन से लेके 85th क्वेश्चन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16th पे छोड़ा था हमने पिछली बार। तो पहले कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। माइनर ऑफ ए आई जे, लेट सपोज ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो अगर हम ए का माइनर देखें तो ए का माइनर होगा ये ई एफ एच आई, और ए का कोफैक्टर क्या होगा, माइनर ऑफ ए है ये। कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा, माइनस वन रेज टू पावर आई एथ आई जे जो है ना वो आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ ए, ये होगा कोफैक्टर ऑफ ए। और अगर हम तो ऐसे हर एक का कोफैक्टर निकालेंगे तो अपने पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी। आई वॉज नॉट इन द फ्रेम। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई, माइनर ऑफ ए इज दिस, कोफैक्टर ऑफ ए इज दिस, एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, एंड ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, 17th क्वेश्चन से। 17th क्वेश्चन कहना चाहता है, इफ एनी टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट पी आर इंटरचेंज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ट्रू। तो ये प्रॉपर्टी रहती है डिटर्मिनेंट की, अगर रो वन इज इंटरचेंज टू रो टू, मतलब दे आर इंटरचेंज विद ईच अदर, लेट से दिस वॉज मैट्रिक्स ए, दिस इज ए डैश, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स ए डैश है, अब हमने आर टू को आर थ्री से चेंज कर दिया तो हमारे पास ए डबल डैश आया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये मैंने सेकेंड स्टेप क्यों किया, ये प्रूफ करने के लिए किया कि जो डिटर्मिनेंट, जो दो रोज आप अगर इंटरचेंज करेंगे, दो बार अगर उसको इंटरचेंज कर देंगे तो वो सेम उसी पे आ जाएगा। तो बेसिकली ये जितनी बार इंटरचेंज करेंगे उतनी बार माइनस वन, अगर आपने एक बार इंटरचेंज किया तो वन आएगा, दो बार तो अगर एन बार किया तो एन इंटरचेंजेस की वजह से, और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। बेसिकली क्या रहता है, कंप्यूटर ये गेट 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया है। एड थर्ड रो टू सेकेंड रो, सब्ट्रैक्ट थर्ड कॉलम फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। सिर्फ मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन है। गेट कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, इसीलिए मैं कम अटैम्प्ट करता था। तो अगर आपको ईजी लगते हैं, अगर आप किसी और ब्रांच से हैं, तो यू कैन लीव कंप्यूटर साइंस क्वेश्चंस। नो ऑफेंस टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, दे कैन स्टिल डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, ए इज इक्वल्स टू 1 1 tan x minus tan x। फर्क पड़ता है, इन्होंने क्या पूछा, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स पूछा इन्होंने। नेक्स्ट पेज भी कर लेता हूँ। ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछा इन्होंने। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी रहती है, अगर दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इनटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम रहता है, और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन ये रहता है, 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। आंसर आएगा 1। सी आंसर है इसका। लॉन्ग मेथड यहां पे दे रखा है, नोट दैट शॉर्ट मेथड से हमने किया। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 1 5 2 7। अभी 1 5 2 7 का इनवर्स हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी इसकी, 1 का 7 1
माइनस फाइव माइनस टू, इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या, ये आपको समझ में आ रहा है ना मैंने कैसे किया? बेसिकली क्या होता है, अगर इसका करना है तो ये, इसका करना है तो ये, इनटू इसके डायमेंशन, तो ये वन क्रॉस टू है ना, ये ओड है, ये भी ओड प्लेस पे है, तो इनके जो कोफैक्टर होंगे वो माइनस वन से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई, इसका ट्रांसपोज किया तो ये आएगा सेवन माइनस टू माइनस फाइव वन, ये आ गया। और इसका डिटर्मिनेंट कितना था, डिटर्मिनेंट क्या रहेगा इसका, सेवन माइनस टेन माइनस थ्री, तो माइनस थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, तो ये आ जाएगा वन अपॉन थ्री। ये वन अपॉन थ्री क्यों किया, क्योंकि ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, तो ये अपॉन मोड ऑफ ए किया ना माइनस वन अपॉन थ्री, तो माइनस सेवन फाइव टू माइनस वन, तो आंसर इज ए। अब मैं आपको उस फॉर्मूले से कराता हूं, अच्छा कौन सा लग रहा है उस फॉर्मूले से। तो पहले तो आप ये देखें कि ये जो 1527 है, 1527, इनमें से आप जानते हैं कि एक पे नेगेटिव साइन आने वाला है, जब हम एडजॉइंट करेंगे तो एक पे नेगेटिव साइन आएगा, तो डिटर्मिनेंट में चाहे नेगेटिव साइन हो चाहे पॉजिटिव हो, इन दोनों के साइन ऑपोजिट रहेंगे। इंट्यूशन आ रही है आपको, इन दोनों के साइन ऑपोजिट रहेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे कोफैक्टर आएगा, जैसे माइनस टू आया था, और उसके बाद चाहे ट्रांसपोज करो कुछ करो, इन दोनों के साइन ऑपोजिट रहेंगे। अगर इन दोनों के साइन ऑपोजिट रहेंगे तो ये दो पहले मैंने किया तो एक क्रॉस लगाए हुए हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना, इन दोनों के तो सेवन और फाइव का साइन प्लस प्लस है, इसमें माइनस माइनस है, अब ये रह गया। तो अब दो एलिमिनेटेड ऑप्शन में से आप एक कुछ भी देख के चेक करके चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये क्या है, पी क्यू इनवर्स का इनवर्स इनटू पी, तो इसका अपने को सॉल्यूशन निकालना है। तो ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी रहती है। तो पी क्यू का इनवर्स क्या आएगा, क्यू इनवर्स पी इनवर्स पी, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया क्यू इनवर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो मैं आपको पता है जो डन वाले क्वेश्चन होते हैं वही करता हूँ, तो जो मैंने डन किए हुए हैं, दिस इज टू मच मेहनत, ये आप कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे ईजी वे इज इन तीन चीज़ों को ज़ीरो कर दिया जाए, या इन तीन चीज़ों को ज़ीरो कर दिया जाए, ताकि आपको सिर्फ एक ही कोफैक्टर निकालना पड़े, दिस। तो इन्होंने ऐसा ही कुछ किया होगा, दिस सी, इन्होंने इन तीन चीज़ों को ज़ीरो कर दिया। आई लीव इट अप टू यू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स विल द मैट्रिक्स गिवन बिलो बिकम सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या सीन रहता है, सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज ज़ीरो। ये तो काफ़ी, इसमें जीरोज भी काफ़ी हैं, इसमें कोई शॉर्टकट लगाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक इक्वेशन बनी एक्स इक्वल टू फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको दिखाते हैं। तो अगर एम ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एम इनवर्स है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, ये है द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन बाय, हमारे पास है थ्री अपॉन फाइव, थ्री अपॉन फाइव, फोर अपॉन फाइव और एक्स। अब इसमें ये कह रहा है, सबसे पहले देखो m ट्रांसपोज इक्वल टू m इनवर्स, कुछ आ रहा है आपके माइंड में, जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं और टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है, m ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस m ट्रांसपोज इक्वल टू m इनवर्स है, सबसे पहले तो आप ये बताओ ये 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 दिया क्यों है, एक स्कीम है, 3 और 4 से 5 का कुछ रिलेशन रहता है, पाइथागोरस थ्योरम याद है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। बेसिकली ये डिटर्मिनेंट वन बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए इनको, इनको क्या चाहिए, एक्स ऐसा कुछ आए ताकि ये डिटर्मिनेंट वन बन जाए। और एम ट्रांसपोज इक्वल टू एम इनवर्स कब होगा, एडजॉइंट, देखो ये टू क्रॉस टू स्क्यू सिमेट्रिक, अगर इस मैट्रिक्स को बनाए तो ये जो चीज़ है ये बराबर है, तो एम ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम तो हो ही जाएगा। और अगर अपॉन मोड एम है, ये एम इनवर्स है, मोड एम अगर वन हो तो ये हो गया ना एम इनवर्स, कुछ नहीं यहाँ पे माइनस फोर अपॉन फाइव लिख दो, बात खत्म,
ये तो हो गया इजी तरीका। डिफिकल्ट तरीका तो बुक में दिया ही हुआ है, मैं डिफिकल्ट तरीका आपको बताने नहीं वाला। थोड़ा सा इसमें क्या है, मेहनत कम है, मेहनत कम है, लेकिन माइंड की मेहनत ज्यादा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आपको ये चूज करना है कि ये चूज करना है। मैं ट्राई पूरा कर रहा हूँ कि हर एक का पेस लेके चलूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको स्पीड तेज लग रही है, आप इसको वीडियो है, आप इसको रिवाइंड भी कर सकते हैं, वापस देख सकते हैं, स्पीड स्लो हो जाएगी एज पर योर नीड्स। तो इसका आंसर आएगा ए, बहुत इन्होंने कलाकारी की है उसके बाद इसका आंसर निकाला है। आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन द डिटरमिनेंट, ये बेसिकली कुछ नहीं पूछना चाहते आपसे, ये कह रहे हैं कि मैंने दिया हुआ 130264-102 और पूछ रहा हूँ 260412-8-204। देखो कितना कितना रेलेवेंट है, मतलब एकदम कॉपी लग रही है वो मैट्रिक्स उसकी, कुछ नहीं टू से मल्टीप्लाई किया हुआ मैट्रिक्स को। प्रॉपर्टी पूछना चाहते हैं ये, किसी भी k इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा, जहाँ पे n है a की डायमेंशंस, n क्रॉस n। तो अगर ये 3 क्रॉस 3 है तो ये 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, 2 की पावर 3 इंटू -12 इज इक्वल टू -96। डन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द गिवन मैट्रिक्स p, ओहो क्या शानदार मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी 2x2, तो मेरे को इतनी अच्छी लगती है ना कि मतलब क्वेश्चन एक सेकंड में ही होने वाला है, इसमें टाइम ही नहीं लगेगा। पहले तो इसका डिटरमिनेंट आपको दिख रहा है ना, दिस इनटू दिस कितना हो गया 25-1, 1/24, तो 1/24 इनवर्स पूछ रहे हैं, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब 1/24 आ गया, अभी देखो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, बहुत इजी रहता है इसका निकालना। 4+3 आया था, पहले तो मैंने इतना निकाल लिया, इतना ही अगर सेम आ गया, ये देखो ये माइनस प्लस आ गया और 1/24 आ गया, और कहीं दिया हुआ है माइनस प्लस, नहीं दिया हुआ, आंसर इज ए। पूरा क्वेश्चन करना ही नहीं है मुझे, जितना मैंने आंसर निकाल दिया, अगर वो आंसर एक ही ऑप्शन में है तो हो गया ना, डन। ऑप्शन जहाँ पे मुझे मिल जाता है ना, उससे एक स्टेप भी मैं आगे नहीं जा रहा, ये मैं आपको क्वेश्चन पेपर की अप्रोच बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप कोई भी एस्पेक्ट छोड़ देते हैं, अगर आपसे कोई भी मिसप्लेस हो जाता है, कुछ आप ऐसा नहीं देखते जो दूसरे ऑप्शन में भी था, तो रिस्क है, तो आपको ये बहुत ही ध्यान से देना है। अब जैसे मैंने इतना निकाल दिया, अब मुझे कन्फ्यूज़न थी कि माइनस आएटा आएगा या आएटा आएगा, तो निकाल तो मैं बाद में भी देता कुछ ना कुछ करके सॉल्व करके, लेकिन अगर इतना आ गया है और इतना किसी भी ऑप्शन में नहीं है, देखो सिर्फ इस ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें और 1/24 है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन मैं अप्रोच आपको बता रहा हूं कि मैं अप्रोच क्या रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप रो ऑफ आर इनवर्स इज, देखो एक चीज़ देखो, ये जीरो है, फटाफट इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यहाँ पे वन है तो ये क्या आएगा, 2-3 5 आ गया, ये -1 × 3 6-2 4 इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट 1 है, अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कोफैक्टर से हो जाएगा। इसका कोफैक्टर निकालो 2, आपको पता है ना कि ये डायगोनल एलिमेंट्स ट्रांसपोज के टाइम कुछ नहीं होता, एट जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है ना, लेकिन ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये कुछ नहीं चेंज होते, इधर उधर नहीं जाते ये, तो सीधा कोफैक्टर इसका निकाल दो, क्या आएगा 2-3 5, तो पहला तो 5 आना चाहिए रो में, तो अगर हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो वो तो इधर आ जाएगा ना, हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं जो कि उधर जाएगा, तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा, ये 0+3 और ये ओड पोजीशन पे है तो -3 आएगा इसका कोफैक्टर, तो 5 और -3 आ गया, आगे मैं जाऊंगा नहीं, बी आंसर है इसका। समझ में आया आपको, देखो कुछ भी इसमें प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी मैंने प्रैक्टिस कर रखी है इसीलिए मैं इतना जल्दी जल्दी कर देता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस का कुछ आपको फ़ायदा हो जाए। तो एक अप्रोच जो इजी अप्रोच हो सकती है, जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, ताकि आप और चीज़ों को टाइम दे पाएँ एग्ज़ाम में, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ।
टिप्स पे रहेंगे ना, कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स कैसे निकलता है, ट्रांसपोज क्या होता है, तो एकदम से माइंड में चीजें आने लग जाएंगी कि क्या चीज कैसे करनी है। नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं लग रहा देखने में। ए इज एम क्रॉस एन फुल रैंक मैट्रिक्स, एम इज ग्रेटर देन एन, आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा यहाँ पे ट्रांसपोज है क्या, आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन अच्छे से देखा नहीं, ये ट्रांसपोज है। तो ये क्या रहेगा, ए डैश इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। देखो यही दिक्कत हो जाती है जब क्वेश्चन पूरा ना पढ़ो ना, तो यही दिक्कत रहती है क्वेश्चन पूरा ना पढ़ो तो। अभी आपको क्या करना है, इसको खोलना है। तो क्या हुआ, ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इनवर्स ए ट्रांसपोज। ये कैंसिल, ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये हमारे पास आ गया। तो फॉर्मूला देखो कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स है तो ये सेटिस्फाई हो गया। अगर पहला सेटिस्फाई हो गया, ये क्या कह रहा है, ए इंटू ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू ए, तो ए डैश अगर ए इनवर्स है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ए इज इक्वल टू ए, तो हैंस प्रूव्ड, ए ऑप्शन हो गया। आगे हम जाएंगे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो लेट ए इज इक्वल टू दिस, ए इनवर्स इज दिस, देन ए प्लस बी इज, कुछ नहीं सीधा इनवर्स ही निकाल लेते हैं फिर और क्या, 20 माइनस 0.13, तो क्या आएगा 6, डिटरमिनेंट तो 1/6, और इनवर्स निकालना तो ये क्या हुआ 3, 2, 0.10। वन अपॉन 60 प्लस 2/6, देख रहे हो ना, ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1/10 इंटू 6, 1/60 और 2/6 20, ये हो गया 21/60। सारा ऑप्शन ही नहीं है ये तो, अच्छा 3, 27 ए आ गया इसका आंसर। लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी एन एन क्रॉस एम मैट्रिक्स, इट इज गिवन दैट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज दिस, वेयर आई के इज द के क्रॉस के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसे तो ना ऐसे क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देना चाहिए एग्जाम में। यूजिंग द अबव प्रॉपर्टी द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो इज, कर लेना यार तुम लोग, चीता हो तुम लोग, चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 5, द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज 40, द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज, ये तो मल्टीप्लीकेशन हो जाती है सीधा डिटरमिनेंट्स की, तो कुछ देखना नहीं है इसमें, 40 इंटू 5 हो जाएगा 200 आ जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट अलोंग ऑल 2×2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ट्रेस 14 इज, तो देखो ट्रेस का क्या सीन रहता है, लेट से आइगन वैल्यू लेमडा 1 लेमडा 2 है, तो ट्रेस का क्या सीन रहता है, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 14, और डिटरमिनेंट क्या सीन रहता है, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, 2×2 है ना, तो यहाँ पे माइनस 1 इंटू कुछ आता है, लेकिन वो 2×2 है तो ये 2 है, तो ये इवन हो गया, तो ये माइनस 1 हट जाएगा। तो बेसिकली क्या है, दोनों पॉजिटिव रहेंगी, 7 और 7 करेंगे तो हो जाएगा क्या, मस्त जोक में ये हंस रहे अंकल, ए इज इक्वल टू 7। अब आप ये कहोगे कि तुमने 7 क्यों चूज किया, किसी भी सम, किसी भी चीज का सम है ना, अगर उसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो उसका मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा आएगा। देवा, देवा, देवा। आपको वैसे एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, अगर अपने 7-7 को 8-5 कर दें, 8-6 कर दें, तो क्या होगा, ये 49 है, ये क्या आएगा 42 आएगा, कुछ भी कर लो दोनों इक्वल रहेंगे,
मैं पता है इन चीज़ों को कैसे करता हूँ कि अगर लैम्डा वन लैम्डा टू है, इन दोनों में भेदभाव क्यों करें? मतलब दोनों को इक्वल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ना। ये मैं अपने माइंड में चलाता हूँ द रूल ऑफ सिमेट्री। उसमें क्या होता है, कई ऑप्शंस भी ऐसे होते हैं, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, अभी कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा अटक जाता है जिसमें क्या होता है, एक सिमेट्रिकल चीज़ होती है, ए बी सी डी कोई भी वेरिएबल है उनको इक्वल प्रेफरेंस दी होती है क्वेश्चन में, और इक्वल प्रेफरेंस अगर ऑप्शन में दी हुई है और किसी ऑप्शन में नहीं दी हुई, तो वो जो नहीं दी हुई ना वो गलत रहता है, इक्वल प्रेफरेंस रहती है। मैं आगे आपको चल के दिखाऊंगा। तो ये इनको इक्वली डिवाइड करेंगे ना, लैम्डा वन लैम्डा टू, लैम्डा टू को ज़्यादा करें, लैम्डा वन को कम करें, क्यों करें? सिमेट्रिकल है ना उन दोनों का, ना तो उनके आगे कोई कोफिशियंट है, ना उनके आगे कोई नेगेटिव साइन है, कुछ है, दोनों ऐसे हैं और हमें निकालना है। आपको इस चीज़ का लॉजिक अभी इररिलेवेंट लग रहा होगा, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। काफ़ी ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों से हो जाते हैं, जैसे अभी हुआ ना मुझसे 7, कितना इन्होंने कलाकारी की है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी डी बी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ईच विद नॉन जीरो डिटरमिनेंट, इफ ए बी सी डी इज आई देन बी इनवर्स इज, ओके ए बी सी डी इज आई तो हमें बी इनवर्स निकालना है। पहले इसको पीछे डी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को, ये कैंसिल, अब सी इनवर्स से करो, ये कैंसिल, क्या आया ए बी इक्वल्स टू डी इनवर्स सी इनवर्स। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो आगे, तो क्या आया बी ए इनवर्स ए इक्वल्स टू ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स। तो अब आ गया अपने पास बी इक्वल्स टू ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स। अभी बी का इनवर्स लेंगे तो इस होल का इनवर्स हो जाएगा, तो दो को एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो, इसका एक साथ ले लो, तो क्या होता है आगे, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, तो क्या होगा सी इनवर्स का इनवर्स, जब इनवर्स खोलते हैं ये हो जाता है ना, तो ए इनवर्स डी इनवर्स का इनवर्स, जो ये हमने कंबाइन कर दिया, तो ये आगे आ गया, ये पीछे आ गया। अब इसको करेंगे तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये तो सी हो गया, ये आगे आ गया और उसका इनवर्स तो डी, और ये पीछे चला गया तो ए, तो आंसर आ गया सी डी ए, सी डी ए बी आंसर है इसका। आगे चले, चलो आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इक्वल्स टू दिस, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। चलो दो मिनट बैठ के ध्यान करते हैं, सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इक्वल्स टू दिस, ओके कोई भी मैट्रिक्स ए है अगर उसको हम चेंज नहीं कर रहे, तो ध्यान रखें कि उसका डिटर्मिनेंट चेंज ना हो, और जो मैंने रो कॉलम एक्सचेंज की बात की तो वो डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स प्लस वन, हाँ तो यहाँ पे एक्स प्लस वन है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो ये देखो थर्ड रो की जगह चेंज हो गया, तो ये ए आएगा इसका आंसर। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तो चलो इसको करते हैं। तो इसमें बहुत ही इजी इन्होंने दे रखा है, इन्होंने 3-0 दे रखा है, तो बेसिकली क्या होगा, बी इंटू दिस थिंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और फिर 2 इंटू दिस थिंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, बी इंटू 2 इंटू ए 205 का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका क्या आएगा ए इंटू 5 और ये 0, तो ए इंटू बी इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 100, 10 ए बी इज इक्वल टू 100, ए बी इज इक्वल टू 10, ए बी इज इक्वल टू 10, ए माइनस बी इज इक्वल टू 14, नहीं ए माइनस बी निकालना है, ट्रेस इज 14, तो ए प्लस 10 प्लस बी इज इक्वल टू 14, ए प्लस 10 प्लस बी इज इक्वल टू 14, ओके मोड हमें जानना है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी अगर अपने को ए भी पता है, तो अगर हम ये करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी इज इक्वल टू
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रहता है, ये रहता है, बिल्कुल रहता है, और उसका अंडर रूट कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू अरे ए प्लस बी प्लस 5 और 2 कितना होता है यार 7, तुम लोग बताते ही नहीं हो मुझे, 7 इज इक्वल टू 14, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 7, 7 स्क्वायर 49 माइनस 40 इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3, डन। चलो नेक्स्ट चलते हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे सीधा। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको थ्योरी आप खुद पढ़ेंगे, उसके बाद आप मेरे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये है 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1 0 1, तो पहले तो इसका रैंक 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 4 तो एलिमिनेट ही हो गया। अब रैंक देखने के लिए क्या होगा, टू थ्री कोई एक चीज, रो वन माइनस रो टू माइनस रो थ्री कुछ और है जीरो। क्वेश्चन तो बहुत ही लेंदी होने वाला है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कोई सिंपलेस्ट अप्रोच हमें दिख जाए, कुछ रो वन माइनस रो टू करके जीरो बन जाए कोई रो, ऑपरेशन करते हैं, देखी जाएगी इसका ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रो टू माइनस रो थ्री कर रहा हूँ, 4 2 1 3, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 1 2 4 6 2 1 0 1, ये आ गया। अब रो टू माइनस रो वन कर दिया, तो 4 2 1 3 तो यही है, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 3 3, 2 1 0 1, ये हो गया। देखो सबसे वो रास्ता तो है ही अपने पास, लेंदी रास्ता, इसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर इन तीनों का निकालो, इन तीनों का निकालो, सबका अगर जीरो आ रहा है, और फिर उन इनका निकालो कोफैक्टर, अगर वो भी जीरो आ रहे हैं, सिंस द नाउ ट्राई टू 2 क्रॉस 2 माइनस, तो इनका भी आएगा तो रैंक 2 आ जाएगा। आई सी अगर इसका कुछ निकलता है, हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज, फिर वही क्वेश्चन, अब इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, उसमें इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाई, ट्रांसफॉर्मेशन से हो तो जाना चाहिए, ये कुछ करो यार, हेल्प मी थ्रू दिस। मैं ना 2 times इसको इसमें से माइनस करता हूँ, थर्ड इक्वेशन को 2 times उसमें से, तो 0 0 1 1 0 0 3 3 2 1 0 1, हो गया ये 3 times, इसको माइनस करोगे रैंक इसका कम आ गया, तो रैंक आ जाएगा इसका 2, समझ रहे हो ना, ये पैरेलल लाइंस बन गई, तो इसका रैंक 3 आएगा नहीं। ये मैंने क्या किया है, क्या किया मैंने, इसको 2 times मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया, आ गया, हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप कर लेंगे।